चाहिए। ये देखिए साउथ अफ्रीका से भी जिस तरीके से शारिक खतीब मैच को शफीक खतीब जो मैच को देख रहे थे उन्होंने भी पूरे टीम को मुबारकबाद दी है और उन्होंने कहा कि बेहद खुशी हुई। मैं फैसल मोहम्मद से गुजारिश करूंगा कि बारी बारी से सबको इनाम दिया जाए। फैसल मौलाना आपके हाथों से वो इनाम दिए जाए, दो विकेट पर 300 रुपए का इनाम फैसल मौलाना की तरफ से मुबीन राउत के लिए। मुबीन राउत अपना इनाम लेकर जाए, 300 रुपए का आपके लिए ये तोहफा। फरहान मिजियाफ ये देखिए फरहान मिजियाफ और रोहन तीनों खिलाड़ी से विनती करता हूँ आ जाओ, आपको भी मैन ऑफ द मैच के बाद ये इनाम दिया जा रहा है कि आपने जो अच्छी गेंदबाजी की उसका नतीजा आपको फैसल मौला की तरफ से 100 रुपए का इनाम था। फैसल मौला आपके हाथों से इनाम दिया जाए। फरहान राउत के लिए 100 रुपए का इनाम, रोहन के लिए 100 रुपए का इनाम और तीसरा जो इनाम दिया गया था मिजियाफ। अब बढ़ते हैं इस मैच की तरफ, लेकिन शफीक खतीब जो साउथ अफ्रीका से मैच को देख रहे थे उन्होंने सलमान राउत के परफॉर्मेंस को देखकर बेहद खुश हुए। उन्होंने कहा कि हमारे दिन की पूरे दिन की जो थकावट होती है वो दूर हो गई, हम अपने गांव की क्रिकेट को देखकर बेहद खुश हुए। उन्होंने ये भी कहा कि हम इब्राहिम जी के जब कैप्टनशिप हुआ करती थी तो हमने बहुत सारे ट्रॉफी हमारे, लेकिन आज इन बच्चों की मेहनत को देखकर हमारा भी दिल भर उठा है। और इस बार देखिए फिर एक बार बैटिंग विकेट पर पहली गेंद पर बैट चला है, मुझसे कोहिनूर हीरा पहली गेंद पर जड़ दिया एक षटकार, शानदार जानदार। अब पहले सत्र में फिर एक बार मैं बुलाना चाहूंगा अलीबाग की एक बुलंद आवाज यासीन मर्चेंट सर, जहां कहीं भी है कमेंट बॉक्स की तरफ आ जाइए यासीन सर। ओके फिर एक बार एक बेहतरीन कमेंटेटर के हिस्से से पहले सत्र में जुड़ जाएंगे यासीन सर हमारे साथ। धन्यवाद इब्राहिम सर और उसी के साथ इमाद। चलिए दोस्तों फिर से एक बार हम मैदान में चलते हैं जहां पे मसला बनाम शाहीन घोनगर, इन दोनों टीमों के बीच कड़ा संघर्ष जारी है। सलामी बल्लेबाज के रूप में मुसैब बंदरकर और उनके साथी बल्लेबाज कैस। ओहो फिर से एक बार आगे निकले मुसैब बंदरकर के बल्ले से आता हुआ ये लगातार तीसरा छक्का। ओवर का मैच का पहला ओवर और पहले ओवर के पहली तीन गेंदों में मुसैब बंदरकर ने नदीम धारेकर के ऊपर हल्ला बोल किया है, शानदार हल्ला बोला है क्योंकि ऐसा नजारा बहुत कम देखने को मिलता है। बैक टू बैक 3 sixes इन रो, कमाल की बल्लेबाजी मैन ऑफ द सीरीज के खिताब से जिस खिलाड़ी को नवाजा गया था वो क्यों नवाजा गया था उसका फिर से एक बार यहाँ पे एग्जाम्पल सेट करते हुए मुसैब अयान 11 इस टीम के जरिए से वो उस प्रतियोगिता में खेल रहे थे। कमाल की बल्लेबाजी फिर से एक बार, थोड़ी सी शॉर्ट ऑफ लेन गेंद थी, पॉइंट के ऊपर से खेला है, पॉइंट के सर के ऊपर से गेंद फिर से एक बार सीमा रेखा के बाहर फरार, 4 रन मिलेंगे इस मरतबा। रन यहाँ पे बारिश की तरह बरस रहे हैं और चौके और छक्का लगाना कितना आसान है ऐसा अब हमें यहाँ पे प्रतीत होता हुआ, मगर आसान नहीं है। उसके लिए मुसैब बंदरकर ने जद्दोजहद की है, मेहनत की है, उतना वक्त दिया है अपने आप को और अपने आप को मेंटेन भी किया है, खून पसीना एक किया है, तब जाके ये कला और ये आत्मविश्वास और ये एटीट्यूड आया है।
ओहो, फॉलिंग स्वीप करने की कोशिश कर रहे थे। सूर्य कुमार यादव की तरह बिहाइंड द विकेट खेलने का मन बना लिया था, मगर थोड़ी सी गलती और इसी वजह से गेंद और बल्ले की कोई मुलाकात नहीं। मगर देखते देखते यहाँ पे पहले ओवर की समाप्ति हो, एक गेंद अभी भी आना बाकी है सर। पहले ओवर की समाप्ति हो चुकी है, 22 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। मुसैब 3 छक्के और 1 चौके की सहायता से 22 रन बनाकर खेल रहे हैं। मात्र 5 गेंदों का उन्होंने सामना किया है। पहली मरतबा स्ट्राइकिंग इन पर कैच को खेलने का मौका यहां पे मिलता हुआ, जबकि गेंदबाजी की जिम्मेदारी इरशाद धायरेकर के ऊपर। लास्ट मैच के हीरो इरशाद धायरेकर, जिन्होंने बहुत ही अच्छी गेंदबाजी की थी, उसी के साथ जबरदस्त बल्लेबाजी करते हुए अपने टीम के लिए आधा शतक भी जड़ा था, वही इरशाद धायरेकर बॉलिंग मार पे। और 30 गज का दायरा भी यहां से हट चुका है। लॉन्ग ऑफ, लॉन्ग ऑन, डीप मिड विकेट, डीप स्क्वायर लेग, डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग, सीमा रेखा के नजदीक तैनात है। उसी के साथ ऑफ साइड की दिशा में एक डीप कवर शाहिद के रूप में। जी हाँ, इसमें दबा बिहाइंड द विकेट खेला है, शॉर्ट फाइन लेग खाली है। जब तक उस गेंद तक पहुंचते हैं डीप फाइन लेग के फील्डर, तब तक 1 रन लेने का मौका है दोनों भी बल्लेबाजों के पास। इस 1 रन के साथ रनों की संख्या में इजाफा, 23 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। मगर ये 1 रन काफी कीमती है, इसलिए क्योंकि स्ट्राइकिंग एन पर बल्लेबाज मुसैब बंदरकर आएंगे। मगर शायद मुसैब बंदरकर थोड़े से चोटिल है, उन्हें कुछ ना कुछ यहाँ पे चोट आई है, मगर फाइटर है ये। ये फिर से एक बार अपने आप को कवर करेंगे, खेलने के लिए तैयार होंगे। शायद जी हाँ, वहां पे शायद उनके कान के नीचे गेंद टकराई है, इसी वजह से थोड़ा सा कहराते हुए दर्द महसूस कर रहे हैं। मगर अपने आप को संभालना होगा, क्योंकि ये मैच बहुत ही क्रूशल है। मसला टीम बहुत ही जानी मानी टीम है और मजबूत स्थिति में अक्सर इन खिलाड़ियों को हमने देखा है। बड़ी बड़ी प्रतियोगिता में इन्होंने काफी शानदार प्रदर्शन किया है। जी हाँ, पहली गेंद स्लोवर वन थी मुसैब के लिए, हालांकि गेंद मिडल ऑफ द बैट नहीं हुई थी, मगर तेज तर्रार यहाँ पे दौड़ लगाते हुए मुसैब बंदरकर पहला रन बहुत ही तेजी के साथ लिया, फौरन यहाँ पे दूसरे रन के लिए भी पलटे और दूसरा रन भी तेजी के साथ मुकम्मल कर लिया है। मुसैब बंदरकर की बॉडी लैंग्वेज देखिए, उसी के साथ उनका एग्रेशन देखिए, हर तरह से उन्होंने अपने आप को मेंटेन किया है। कमाल की रनिंग बिटवीन द विकेट, इतनी तपती हुई धूप में लगातार यहाँ पे दौड़ ले लगाना इतना आसान नहीं होता, मगर स्ट्राइक अपने हाथों में रखना है, अपने टीम के लिए एक बड़ा योगदान देना है। इसी चाहत के साथ, इसी इच्छा के साथ उन्होंने स्ट्राइक अपने हाथों में रखा है। 25 रन स्कोर कार्ड पर। जी हाँ, स्लोवर वन गेंद फिर से एक बार चकमा दिया है मुसैब बंदरकर को। मुसैब बंदरकर अपेक्षा कर रहे थे कि शायद यहाँ पे फास्टर रन आएंगे, क्योंकि पहली गेंद हालांकि स्लोवर वन थी, मगर चाणक्ष और बुद्धिमानी का क्रिकेट यहाँ पे इरशाद पेश करते हुए। नदीम धायरेकर बहुत ही महंगे साबित होने के बाद इरशाद धायरेकर ने यहाँ पे किफायती और कसावट भरी गेंदबाजी की है। जी हाँ, इस मरतबा गेंद उनके पाले में थी, उसे पहुंचा दिया है मिड विकेट सीमा रेखा के बाहर 6 रन के लिए। मुसैब बंदरकर उसी टॉप 10 की सूची में आते हैं। मसला श्रीवर्धन, इन दो तहसीलों में अगर टॉप 10 बल्लेबाज या टॉप 10 खिलाड़ी अगर निकाले जाए तो इसका नाम, इस खिलाड़ी का नाम जरूर आएगा। फिर से एक बार आगे निकले और एडजस्ट किया है अपने आप को, ये शॉट खेलना आसान नहीं था। 37 रन ऑन स्कोर कार्ड। देखते देखते यहां पे दूसरे ओवर की भी समाप्ति हो चुकी है। पहले ओवर में 22 रन आए थे, दूसरे ओवर में 15 रन, कुल मिला के 37 दो ही ओवर में यहां पे
अगर बॉलर विकेट लेता है, एक विकेट अभी भी बॉलर जितने भी विकेट ले हर विकेट के ऊपर 500 रुपए शफीक खतीब की तरफ गोल्ड बोल्ड लेता है। अभी फिलहाल यहाँ चलेगा। दो ओवर की समाप्ति हो चुकी है। नदीम धारेकर ने 22 रन खर्च किए थे अपने पहले ओवर में, इरशाद धारेकर ने 15 रन खर्च किए हैं। मगर मुसैब देखिए, कैच के बल्ले से मात्र एक रन निकला है, मगर मुसैब ने अब तक 5 छक्के और एक चौके की सहायता से अपनी पारी को सजाया है, अपने टीम को संभाला है। इस बीच नए गेंदबाज आए हैं शाहिद, लेग स्पिन गेंदबाजी करने के लिए माहिर है। राइट आर्म ओवर द विकेट, जी हाँ, इसमें थोड़ा हवा में गेंद जरूर है, कैच लपकने का मौका हो सकता है। नदीम धारेकर वहां पे खुद मौजूद, पहली गेंद के ऊपर ये पहला विकेट प्राप्त किया है शाहिद ने। कैच मैदान से बाहर, फर्स्ट विकेट डाउन, मगर ज्यादा से ज्यादा स्ट्राइक यहां पे देना चाहेंगे उनके स्टार बल्लेबाज मुसैब बंदरकर को। हालांकि यहां पे थोड़ी सी शॉर्ट ऑफ लेन गेंद थी और उसे छक्के में तब्दील करने की कोशिश कर रहे थे। कैच ने भी सोचा कि मैं भी यहां पे बड़ा स्ट्रोक लगा लूं, मगर फंस गए। इस बीच नए बल्लेबाज हम देख सकते हैं फरहान गोनगर, शाहीन गोनगर इस टीम की जानिब से हम देख सकते हैं नए बल्लेबाज फरहान। सैतीस रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं और यहां पे देखिए थोड़ा सा फॉर्मेट अलग नजर आता हुआ, क्योंकि 5 गेंदों का ओवर है। हालांकि 4 ओवर का मैच होगा, मगर एक ओवर में 5 गेंदें होगी, जैसे इसके पहले अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में भी 8 गेंदों का ओवर होता था। जब क्रिकेट की प्रोफेशनली तरीके से शुरुआत हुई और जैसे जैसे वक्त बीतता है वैसे वैसे लॉ में भी बदलाव हुआ और फिर 6 गेंदों का एक ओवर हमें देखने को मिला है। मगर आपको याद दिलाना चाहूंगा कि लगान फिल्म भी आई थी, वहां पे भी उन्होंने बहुत बड़ी गलती की थी, 6 गेंदों का ओवर दिखाया था मगर उस वक्त 8 गेंदों का ओवर होता था। जी हाँ, यहाँ पे देखिए वाइड का इशारा अंपायर जी का, वाइड के साथ एक रन एक्स्ट्रा यहां पे मिलेगा, अतिरिक्त 2 रन यहां पे मिलेंगे और इन 2 रनों के साथ रनों की संख्या हो चुकी है 39। 39 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं शाहिद मुसैब के लिए। जी हाँ, इसमें तब ऑफ स्टंप पर शफल होकर क्रीज की गहराई का इस्तेमाल जरूर किया था, मगर शॉट डी फाइनल की दिशा में फील्डर तैनात थे, डी फाइन लेग में बहुत ही बढ़िया फील्डिंग देखने को मिली और इसी वजह से एक ही रन पर मुसैब बंदरकर को यहां पे संतोष करना पड़ा। शाहिद का ओवर यहां पे काफी अच्छा घटता हुआ पहले 2 ओवर के मुकाबले में, मगर इस मरतबा आगे बढ़कर डीप कवर की दिशा में उसे खेला है वाइडी से लॉन्ग ऑफ के ऊपर से, गेंद सीमा रेखा के बाहर 6 रन के लिए। फरहान के बल्ले से आता हुआ ये पहला छक्का, ढोलक की तरह दोनों तरफ से यहां पे गेंदबाजों की पिटाई, एक तरफ है मुसैब बंदरकर और दूसरी तरफ हम देख सकते हैं फरहान। फरहान ने मात्र 2 गेंदों का सामना किया है मगर 6 रन यहां पे बटोरे हैं। फिर से एक बार आगे निकले थे मगर इस मरतबा गेंद को थोड़ा सा शॉर्ट किया था चतुराई के साथ शाहिद ने और इसी के साथ यहां पे ओवर की भी समाप्ति हो चुकी है। पहले ओवर में 22 रन, दूसरे ओवर में 15 रन और तीसरे ओवर में शाहिद ने खर्च किए हैं मात्र 9 रन और एक सफलता भी अर्जित की। कुल मिला के 3 ओवर की समाप्ति के बाद रनों की संख्या हो चुकी है 46 फॉलोस ऑफ 1 विकेट। अभी भी एक ओवर आना बाकी है। अब स्ट्राइकिंग एंड पर रहेंगे मुसैब बंदरकर और उनके चाहने वाले उनके टीममेट्स यही चाहेंगे कि अब ज्यादा से ज्यादा स्ट्राइक मुसैब को मिले। मुसैब के लिए सही मायनों में बहुत क्रिकेट बाकी है, अपने आप को मेंटेन करना होगा, अपने आप को तैयार रखना होगा
और मैदान के अंदर अपनी शक्ति को खर्च करना होगा, मैदान के बाहर बिल्कुल ध्यान नहीं देना है। अगर इसी तरह से वो अपने आप को मेंटेन करेंगे तो एक दिन जरूर यह आएगा बहुत ऊंचे स्तर पर इस खिलाड़ी को हम देखेंगे पाने को। अभी कई मुकाम बाकी है, इस खेल के कई इम्तिहान बाकी है। अभी तो नापी है आपने मुट्ठी भर जमीन मुसैब, अभी तो सारा आसमान बाकी है। मुसैब स्ट्राइकिंग गेंद पर फिर से एक बार गेंदबाज जिशान का सामना करेंगे। अब तक 5 छक्के मुसैब बंदरगढ़ के बल्ले से हमें देखने को मिले हैं। क्या यहां पे जिशान से बचेंगे? जी हां, पहली गेंद सीधा फील्डर को ढूंढ लिया था, अच्छा स्ट्रोक जरूर था मगर जमीन से समांतर पैरेलल उसे खेला था शाहिद के हाथों में। शाहिद ने बिल्कुल गलती नहीं की और इसी के साथ ये दूसरा छटका लगता हुआ मुसैब बंदरगढ़ के रूप में। अपने टीम के लिए 37 रनों का योगदान दिया है मुसैब बंदरकर ने, बहुत ही बढ़िया पारी खेली, शानदार स्टार्ट दिया है, एक अच्छा प्लेटफॉर्म खड़ा किया है उन्होंने अपने टीम के लिए बेस बनाकर मैदान से लौटते हुए। और इस बीच नए बल्लेबाज शाहीन गुनगर इस टीम की जानिब से हुजैफा को भी यहाँ पे अपने हाथ आजमाने होंगे। एक दो बड़े स्ट्रोक अगर यहाँ पे आते हैं तो मजबूत स्थिति में चले जाएंगे, क्योंकि आप सभी जानते हैं नदीम धारेकर को अगर उनका बल्ला चला तो फिर उन्हें रोकना नामुमकिन के करीब होगा, क्योंकि वो ऐसे खिलाड़ी है 100 मैच जितवा सकते हैं और किसी भी गेंदबाज के छक्के छुड़ा सकते हैं। किसी भी सिचुएशन को हैंडल करना उनमें वो क्षमता जरूर है और ये मैंने बहुत मर्तबा देखा है और इसी वजह से ये मैच बहुत ही रोमांचकारी होगा। ये मैच अंतिम क्षणों तक चला जाएगा, क्योंकि दोस्तों मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा आपने जीते हुए खिलाड़ियों में से मैन ऑफ द मैच बनते हुए बहुत मर्तबा देखा होगा मगर मैच हारने के बावजूद जिस खिलाड़ी को मैन ऑफ द मैच के खिताब से नवाजा गया होगा वो खिलाड़ी है नदीम धारेकर। रोहा के मैदान पर ओपन लॉट्स में इस खिलाड़ी ने कारनामा अंजाम दिया था। जी हाँ, इस मरतबा हवा में गेंद जरूर है मगर दो खिलाड़ियों के बीच में से गेंद निकल गई 4 रन के लिए। बाएं हाथ के बल्लेबाज हुजैफा के बल्ले से ये पहला चौका आता हुआ। देखिए इस मरतबा डैनी हुजैफा ने बिल्कुल ताकत नहीं लगाई। दो गेंदे हो चुकी है, फील्डिंग के अकॉर्डिंग यहाँ पे बल्लेबाज ये उन्होंने की है, यानी ये है बुद्धिमानी का क्रिकेट। नया गेंद चाहिए, पुरानी गेंद चाहिए? दो खिलाड़ियों के बीच में जो गैप था वो ढूंढा था और इसी वजह से यहां पे आसानी के साथ उन्हें 4 रन हासिल हुए थे, क्योंकि क्रिकेट में सिर्फ ताकत से नहीं खेला जाता, ये खेल बुद्धिमानी का है, बहुत ही होशियारी के साथ खेला जाता है। पहली गेंद पर विकेट चटकाने के बाद दूसरी ही गेंद पर जिशान पर चौका जड़ा है बल्लेबाज हुजैफा ने। हुजैफा फिर से एक बार तैयार है, फुल टॉस गेंद थी मगर इस मरतबा उसे ढीले हाथों के साथ फिर से एक बार कवर की तरफ ढकेलना चाहते थे मगर ऑफ स्टंप के बहुत ही ज्यादा बाहर गेंद थी, बल्लेबाज के शरीर से बहुत दूर होने की वजह से अंपायर जी ने उसे वाइड करार दिया है। वाइड के रूप में एक अतिरिक्त रन यहाँ पे फिर से एक बार जुड़ेगा। 51 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं, 51 फॉलोस ऑफ 2 विकेट्स अंतिम ओवर प्रगति पर। जिशान गेंदबाजी के मार्ग पर, बाएं हाथ के बल्लेबाज हुजैफा स्ट्राइकिंग एंड पर। वालवटी गांव में श्रीवर्धन तहसील में देखिए फिर से एक बार चतुराई भरा ये स्ट्रोक, फिर से एक बार गैप को ढूंढा है हुजैफा ने। वेरी वेल डन हुजैफा, शानदार लेग बाय के रूप में ये 4 रन मिले। हालांकि पहली नजर में ऐसा लग रहा था कि गेंद ने बल्ले का बाहरी सिरा लिया होगा मगर अंपायर जी का इशारा आया यहाँ पे लेग बाय के रूप में 4 रन, 55 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। अभी भी इस ओवर की 2 गेंदें आना बाकी है, हालांकि 4 ओवर का मैच है मगर 5 गेंदों का ओवर है, यानी कुल मिला के 20 गेंदों का ये मैच।
20 गेंदों में अब अच्छी पोजीशन में आ चुके हैं शाहीन 11 गोनगर। जी हाँ, फिर से एक बार गैप को ही ढूंढा है, डीप फाइन लेग सीमा रेखा के नजदीक उस गेंद को फील्ड करते, तब तक दो रन लेने का यहां पे मौका। इस मौके को ताड़ा है बल्लेबाजों ने चहलकदमी के साथ, बहुत ही इत्मीनान के साथ दूसरा रन यहां पे मुकम्मल किया है। 57 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं, बहुत ही मजबूत स्थिति में यहां पे नजर आ रही है शाहीन गोनगर। अब अंतिम एक गेंद इस अंतिम ओवर की, गेंदबाज जिशान, जी हाँ बहुत ही अच्छा कवर ड्राइव, मगर डीप शॉर्ट पॉइंट की दिशा में उस गेंद को फील्ड करने में कामयाब हुए। अच्छी फील्डिंग, अच्छा थ्रो, और इसी के साथ यहां पे बल्लेबाज हुजैफा को रनआउट होकर मैदान से बाहर आना पड़ेगा। एक रन जरूर यहां पे जुड़ेगा, कुल मिला के रनों की संख्या हो चुकी है 58 रन, और अब जीतने के लिए 20 गेंदों में 59 रनों की जरूरत। उनसठ रन बनाने हैं जीतने के लिए, मगर ये ध्यान रखना होगा कि 20 गेंदों का ही ये मैच है। नदीम धारेकर को अब यहाँ पे चलना होगा, नदीम धारेकर अगर यहाँ पे चल पड़े तो ये 15 गेंदों में भी मैच खत्म कर सकते हैं, मगर यंगस्टर खिलाड़ी है मुसेब बंद।
हेलो। शुक्रिया फिर एक बार, मैं तमाम दर्शकों का स्वागत करता हूँ, ले चलता हूँ मैदान की तरफ, जहां पर एक अच्छा क्रिकेट बीच मैदान के अंदर चलता हुआ, एक तरफ देखा जाए तो शाहीन गोनगर और दूसरी तरफ देखा जाए तो मसला, ये दो टीमों के बीच में मुकाबला चल रहा है। दोनों भाइयों का विकेट गिर चुका है, एक चार गेंदों में सात रन पर आउट हो गया, दूसरा तीन गेंदों में सात रन पर आउट हो गया। अब वो दोनों आउट होने के बाद उमरान और उमेर ये दोनों मैदान पर नजर आते हुए, बॉलिंग पर देखा जाए तो दूसरा ओवर लेकर कैश, राइट हम ओवर द स्टंप से अगली गेंद, ये देखिए बहुत ही कमाल का स्ट्रोक, क्या स्ट्रोक था, बेहतरीन अंदाज में खेला गया, क्या एग्जीक्यूट किया था, शॉट सिलेक्शन देखिए, विकेट पर जिस तरीके से उस गेंद पर नजरें जमाई और एक कमाल का स्ट्रोक, इस सिक्सर की मदद से टीम का स्कोर 28 पर जा पहुंचा। उमेर के बैट से पहला सिक्स देखने मिला, दो ओवरों का खेल खत्म, टीम का स्कोर 26 रन, 28 रन दो ओवर के समाप्ति के बाद, टीम का स्कोर 28, पहली ओवर में आए थे 8, दूसरे ओवर में आए 20। एक ही बात कहता हूं, ये जो मुकाबला चल रहा है ना दानियाल, लगन वो डोर है जो आपसे वो करवा लेती है जिसे करना सबके बस की बात नहीं है, और अब ये दोनों बल्लेबाजों ने ठान लिया है कि हम जब तक अपनी टीम के लिए जीत नहीं दिलाएंगे तब तक मैदान से नहीं छोड़ेंगे, मैदान विकेट नहीं छोड़ेंगे। अभी तक तो सब कुछ अच्छा चल रहा है, दोनों बल्लेबाजों ने 10 गेंदों में 31 रनों की पार्टनरशिप, 31 रनों की जरूरत है, 10 गेंदों में देखा जाए तो 31 रनों की जरूरत, ठानी है कि आखिर तक हम मैच के अंदर वापसी करते रहेंगे। और दूसरी तरफ शाहीन गोनगर के लिए बॉलिंग लेकर, बॉलिंग पर आप देख सकते हो अच्छा ड्राइव देखने मिला, ऑन ड्राइव के रूप में बैकलिफ को नीचे रखते हुए शफीक खतीब की तरफ से एक इनाम आया हुआ है, आफ्ताब के लिए खास ये इनाम, जब आफ्ताब की टीम मैदान में उतरेगी, 3 लगातार सिक्सर लगाएगी तो 1,000 रुपए का कैश प्राइज रहेगा, तो शफीक खतीब की तरफ से 100 अफ्रीका से मैच को देख रहे हैं, उन्होंने मुझे भी कहा कि इमाद भाई मुबारकबाद मेरी तरफ से भी दीजिए, और उन्होंने इनाम भी लगाया। इस बार देखिए उमेर ने फिर एक बार हवा में उठाकर खेला, फुल टॉस गेंद, मानो उमेर के लिए यह लॉलीपॉप था, जानदार स्ट्रोक था, शानदार स्ट्रोक था, सीधी गेंद 6 रन। अब टीम का स्कोर 35, जीतने के लिए अभी भी 24 रनों की जरूरत, राइट हम ओवर द स्टंप, दबाव गेंदबाज के ऊपर है, लेकिन गर्मी की वजह से हमारे देखा जाए तो डगआउट में बैठे हुए राजा के पसीने छूट रहे हैं गर्मी की वजह से, लेकिन उन्हें पता है टीम जरूर कमबैक करेगी। उमेर ये देखिए आखिरी मोमेंट पर बल्ले का मुंह खोला शाहीन गोनगर के, एफर्ट देखिए उनका, लेकिन आखिर में अंपायर का डिसीजन, आखिरी डिसीजन आ गया कि वो गेंद 4 रन के लिए चली गई, मेन अंपायरिंग पर परवेश राउत और उनके साथ में नईम हस पटेल। मुकाबले की बात करूं तो टीम का स्कोर जा पहुंचा 39 रन, आविष्कार अब जीतने के लिए 20 रन की जरूरत है, 7 गेंदे और 20 रन, 7 गेंदों का खेल, जीतने के लिए 20 रन की जरूरत, मैच अभी भी ऑन है, दो तरफा ये मुकाबला है। हमने देखा कि पहले सत्र में शाहीन गोनगर का एक में वैसा खिलाड़ी मुसेब जो टीम के लिए सबसे अहम रोल अदा करते हैं, अगले मैच का टॉस, नहीं मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इन दो टीमों में से जो टीम जीतेगी ना वो
आफ्टर बॉल बेटी के साथ भिड़ने वाली है। फिर एक बार मैच की तरफ बढ़ते हैं रामदस्तम से। बहुत बहुत शुक्रिया मोहसिन साहब। ये देखिए बॉलर बैक ड्राइव खेलने की कोशिश की। एक रन तेजी के साथ पूरा किया और यहां पर एक रन के साथ टीम का स्कोर जा पहुंचा 40 रन पर। चालीस रन जीतने के लिए अभी भी 19 रनों की जरूरत है, 6 गेंदों में 19 की जरूरत। वाह क्या बॉलिंग है, कमाल की वापसी, कमाल की गेंदबाजी मानना पड़ेगा। प्रेशर बना हुआ है, हर तरीके से मैच के अंदर वापसी करनी है, वापसी करवाने के लिए न जाने जी जान लगाई जा रही है। एक तरफ शाहीन गोंडकर, दूसरी तरफ मसला की टीम। चलो फास्ट के लिए, फास्ट के लिए टीम मीटिंग बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। शायद आप भूल रहे हो शाहीन गोंडकर, आज ही के फाइनल डे है और आज ही के दिन हमें फाइनलिस्ट टीम निकालने हैं। चलो मैच की तरफ बढ़ते हैं। पांच पांच गेंदों का ओवर है, हमारे दानियाल बता रहे हैं पहली ओवर में 8 रन आए, दूसरी ओवर में 20 रन आए, तीसरी ओवर में 12 रन आए और अब यहां से आखिरी स्पेल किसे दी है गेंदबाजी, बॉलर का नाम बोलो, कैश। फिर एक बार कैश बॉलिंग पर, मसला से खास आबिद काजी आए। जैसे ही मेरी नजर पड़ी आबिद काजी, आपका हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। परसों उन्होंने मुझे फोन किया था जब मैं तेलंगा में कमेंट्री कर रहा था, मसला का टीम वहां पर खेल रहा था और बहुत ही अच्छी तरीके से परफॉर्मेंस देखने के बाद उन्होंने मुबारकबाद दी थी और आज खुद जैसे ही मालूम पड़ा है मैच मसला का है, कहीं ना कहीं आपके अपने आम के बिजनेस में मसरूफ होने के बावजूद भी अपना काम छोड़ के यहाँ पर पहुंचे। ऐसे बहुत सारे दर्शक है, सिर्फ मैं आबिद काजी की बात नहीं करता हूँ, क्वालिटी भी काफी हद तक इस चीज के लिए एक्साइटेड है। और इस बीच देखिए उमेर ने खेल दिया सीधा फील्डर के ऊपर से, काउ कॉर्नर की क्षेत्र में जड़ दिया एक शानदार जानदार सिक्सर, षटकार, क्या स्ट्रोक मारा है। देखिए इब्राहिम सर अब 4 गेंदों का खेल और 13 रन की जरूरत, यानी एक बात तो साफ है इब्राहिम सर कुदरत ने सबको हीरा बनाया है, जो जितना मेहनत करेगा वो उतना चमकेगा। आपको मेहनत करनी जरूरी है और मेहनत के बाद आपको कामयाबी मिलेगी, ये कामयाबी आपको मैदान में ही मिलती है और इस कामयाबी को पाने के लिए कहते हैं ना कि कड़ी धूप में जलना पड़ता है, तड़पना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है और तब जाकर खुद की छाव निर्माण होती है। खतीब साहब खुद की छाव निर्माण करने के लिए कड़े संघर्ष से आपको जूझना पड़ेगा, सिचुएशन आपको हैंडल करनी आनी चाहिए। सामने गेंदबाज शाहीन गोंडकर का है, बिल्कुल शाहीन गोंडकर बहुत पुराना क्लब है, बहुत मजबूत क्लब माना जाता था क्रिकेट के माध्यम से, आज फिर एक बार इस यंगस्टर के ऊपर भरोसा दिखाया टीम ने। ये देखिए उमेर का बल्ला, ओ माय गॉड, तान दिया गेंद चली हवा के साथ साथ घटा के संग संग सीधी 6 रन षटकार, क्या उमेर की बल्लेबाजी चल रही है। 300 रुपए का इनाम, 3 सिक्स पर 500 रुपए का इनाम आबिद काजी इनकी तरफ से। अब तक तो 2 छक्के आ चुके हैं, क्या तीसरा हमें देखने मिलेगा। आबिद काजी अपना जिस तरीके से एटीएम कैश साथ में लेकर आए हैं, कैश की गड्डी अपने टीम के खिलाड़ी के लिए। स्कोर की मैं बात करूं तो स्कोर जा पहुंचा है 50 अप 52। एक बार जोरदार तालियां बजनी चाहिए। 3 गेंदों में 7 रन की जरूरत।
हो क्या बात है, गेंदबाज भी कह रहा है कि हम भी क्या हारने के लिए नहीं आए, हम भी जीतना चाहते हैं, आप भी जीतना चाहते हो। अब देखना होगा कि इस मैदान के अंदर किसकी ज्यादा मेहनत होगी, किसका ज्यादा योगदान होगा। मैंने कहा ना कि कुदरत ने सबको हीरा बनाया, जो जितना मेहनत करेगा वो उतना चमकेगा। खुशियां नहीं मिलती मांगने से, मंजिल नहीं मिलती रुक जाने से। भरोसा रखना खुद पर और परवरदिगार पर, वो सब कुछ देता है वक्त आने पर। वो घड़ी आ चुकी है कि गेंदे बची हुई है, तो जीतने के लिए 7 रन की जरूरत। 2 गेंदे 7 रन 7 रन 2 गेंदे, वाह व्हाट अ मैच। प्रेशर। नहीं चेसिंग कंपलसरी है, हाँ चेसिंग कंपलसरी है, दबाव बना हुआ है मुकाबले के अंदर। देखिए प्रेशर। 2 गेंदे 7 रन की जरूरत, मुकाबला काफी हद तक मजेदार बनता हुआ, काफी हद तक दर्शक जुड़े हुए हैं, मसला से भी जुड़े हुए हैं। इस बीच देखिए अगला काठियावाड़ी आसिफ दमनाक, ये भी जुड़े हुए हैं। और ये देखिए कमाल का स्ट्रोक उड़ाया, उड़न खटोला 6 रन के लिए लॉन्ग ऑन के फील्डर के ऊपर से मस्तक पे दस्तक, 6 रन छक्कार। ये देखिए शाम का मंजर है इब्राहिम सर, अब ठंडी ठंडी हवा बह रही है, लेकिन मैच ठंडा नहीं है। मैच बिल्कुल दोपहर के सत्र में जो 40 डिग्री के सेल्सियस का जो तपतपा गर्माहट थी ना, वैसी मैच गर्म हो चुकी है। आबिद गाजी 1 गेंद 1 रन, मैच पसंद हुई होगी तो एक बार जोरदार तालियां बजनी चाहिए। यह आफ्ताब बालवटी की जीत है, यह आफ्ताब चैंपियन ट्रॉफी की जीत है, यकीनी तौर पर यहां पर क्रिकेट की जीत होगी। 1 गेंद 1 रन, फील्ड देखिए किस तरीके से सजाई गई है, सभी खिलाड़ियों को आगे लाया गया है, मैच में मजा आने वाला है, कहीं मत जाइए। ये देखिए 1 गेंद 1 रन की जरूरत, और यहां पर क्या हुआ, और ये देखिए मैच के अंदर डिफेंसिव क्रिकेट, ओह माय गॉड, अनबिलीवेबल अनएक्सपेक्टेड। जो हमने मोहम्मद 11 सनी बॉय श्रीवर्धन का नजारा देखा था, वही नजारा आज फिर एक बार शाहीन गोनगर ने कर दिखाया। क्यों इस क्लब को सबसे बड़ा क्लब माना जाता है, शाहीन गोनगर की चर्चा हर जगह पर क्यों होती है, आज फिर एक बार वो कहते हैं ना कि सिकंदर हालात के आगे नहीं झुकता, तारा टूट भी जाए जमीन पर नहीं गिरता, अरे गिरते समंदर। जिस तरीके से बाइक बाहर निकाले, बाइक अभी सारे दर्शकों ने देखा होगा इस मैच का लुत्फ, बहुत ही संघर्ष हुआ इस मैच में, और कंपल्सरी चेस की वजह से जो है शाहीन गोनगर ने यह मैच जीता है। मैं फिर एक बार हमारे सारे दर्शकों से विनंती करता हूं कि अपने अपने जगह पर बैठकर इस टूर्नामेंट का मजा ले लें, साथ ही साथ हमारे गल्फ वाले भाई जो मैच देख रहे हैं उनसे भी गुजारिश है कि थोड़ा सा बाइक प्लीज बाहर निकालो, बाइक बाहर निकालो। क्या बात है, उसे दोनों भी मैच जान हलक में आ गई थी, और ब्लड प्रेशर तमाम खिलाड़ियों के साथ साथ पूरे गोनगर का बढ़ गया था, उनके चाहने वालों का, लेकिन मैच मैन ऑफ द मैच का दावेदार है। 5 6 1 चौका 11 गेंदों में 37